दोस्तों डीडी फ्रीडिस पर ऐड हुए नए टीवी चैनल्स को ऐड करना आपके MPEG2 सेटअप बॉक्स में मैं आज आपको दिखाऊंगा, तथा दोस्तों कुछ नई सैटेलाइटों के बारे में भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं जो फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहा हूं, इस फ्रीक्वेंसी पर दोस्तों हमें 45% से ऊपर सिग्नल मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी है 9750 11370 6500 वर्टिकल 22 के ऑन, और ये है दोस्तों एक नई सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट के चैनल्स आपको स्क्रीन पर अभी देखने को मिल जाएंगे। देखिए एक चैनल आया, लेकिन ज़बरदस्त चैनल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आगे हम और भी ज़बरदस्त चैनल्स के बारे में बताएंगे, ज़्यादा चैनल के बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तथा दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर ऐसा करते हैं तो आपको मिल सकता है फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। दोस्तों अभी ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है ये डीडी फ्रीडिस की नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए चैनल आपको दूसरे मिलेंगे, 8 चैनल हमें रिसीव हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टोटल 137 टीवी चैनल हमारे पास हो चुके हैं। ये कार्टून का चैनल है, बड़ा लाजवाब चैनल है, और म्यूजिक का चैनल है, और ये आपको बहुत सारे अच्छे चैनल, फिल्मों के चैनल मिल जाते हैं, मूवीज़ के चैनल मिल जाते हैं, WWE के चैनल मिल जाते हैं, स्पोर्ट के भी चैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ इसे आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जो फ्रीक्वेंसी ऐड करने जा रहा हूँ 11202 27500 वर्टिकल 22 के ऑन, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमें 6 चैनल देखने को मिले हैं, और इन 6 चैनलों पे दोस्तों आपको कार्टून के चैनल ज़बरदस्त मिलने वाले हैं, मिनी कागो, मिनी कोकुक, ए स्पोर्ट, ए हैबर। दोस्तों ये जो चैनल्स हैं इन चैनलों को दोस्तों मैं जानता हूँ, अगर आप एक बार लगा लेते हो तो बार बार आप इन चैनलों को देखना पसंद करोगे। ये देखिए दोस्तों ATV आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, यूलाइक TV भी देखने को मिल जाता है, कनाल 7 और सो TV। अगली फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों सैटेलाइट का नाम मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, ये है दोस्तों दोपहर में जब सूरज 1 से 1.5 के बीच में होता है वहाँ पर एंटीना ले जाके फिक्स करना होता है, और ये सैटेलाइट है दोस्तों तुर्क सेट 42 डिग्री ईस्ट, जो कि डीडी फ्रीडिस के MPEG2 बॉक्स में भी चैनल देखने को मिलते हैं। हमारे पास चैनल ज़्यादा तो नहीं मिले हैं, लेकिन ज़्यादा ही हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इसका सिग्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सिग्नल तो हमें मिल रहा है, और ये रात में हमें सिग्नल मिलता है दोस्तों इस सैटेलाइट का। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 11300, ये देखिए 70, अगली फ्रीक्वेंसी आप लोग देख लीजिए 6500, सिग्नल मिल गया है 47%, 22 के ऑफ करेंगे सिग्नल चला जाएगा। इन सब पॉइंटों को भी आप लोग नोट कीजिएगा। दोस्तों हमारे पास अभी आपको देखने को मिल जाएंगे इस पे, इस फ्रीक्वेंसी पे कितने चैनल मिलते हैं, ये देखिए एक चैनल मिला है, और आपको लगभग 25 से 30 TV चैनल इस सैटेलाइट पर देखने को मिल जाते हैं। सैटेलाइट को सेट करने के लिए जैसा मैंने बताया दोपहर के टाइम में आपको इसे सेट करना होगा, आपको LNB फ्रीक्वेंसी यही डालनी होगी, सेम टू सेम आपको यही फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होगी। दोस्तों एक बार और आप लोग देख लीजिए, ये वाली फ्रीक्वेंसी आप ऐड करेंगे आपको TRT वाले चैनल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सैटेलाइट बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको आगे बताता चलूँ, इस वीडियो को अगर आप करते हैं लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, तो दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल के टीम की तरफ से दिया जा सकता है फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इस सैटेलाइट का कवरेज आप लगभग उत्तर प्रदेश में आपको इसका सिग्नल मिल जाएगा, बिहार में बड़ी डिश लगानी पड़ेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी डिश लगानी पड़ेगी, बाकी अगर पश्चिमी भारत में है 2 फीट पर बड़े आसान तरीके से कम से कम 300 चैनल देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।